नमस्कार दोस्तों, वेरी वेलकम। टुडे विल बी डिस्कस सितंबर मंथ के पूरा करंट अफेयर्स के अंदर डिस्कस करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वन बाय वन। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य कहीं वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। और करंट अफेयर सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे स्टेट की हो चाहे केंद्र की। जो आने वाली भर्तियां हैं, काफी भर्तियां दोस्तों आने वाली है, तो करंट अफेयर्स का उसके अंदर काफी रोल रहता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 2026 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है के तहत शहरों के अंदर पर्टिकुलर मीटर की सघनता में कमी का नया लक्ष्य कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों 40%। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय 2026 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जिसे नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम कहते हैं के तहत आने वाले शहरों में 40% सांद्रता की कमी का नया लक्ष्य निर्धारित किया है और 2024 तक इसे 20 से 30 कमी करने के पहले लक्ष्य को अपडेट किया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 20% शहरों ने वार्षिक औसतन PM10 सघनता और 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के राष्ट्रीय मानकों को पूरा कर लिया है और NSAP के तहत शहरों की विशेष कार्य योजना तैयार की गई है, की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा इनोवेटिव इवेंट को क्या है? तो यह है अनुसंधान और विकास का एक मेला है। इसके अंदर यह 23वां मेला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के द्वारा IIT NTU नामक एक मेगा अनुसंधान और विकास मेले का आयोजन करेगा, जिसके अंदर इस योजना का उद्देश्य संस्थान में किए जा रहे अनुसंधान, नवाचार और परियोजनाओं के बारे में समग्र जागरूकता पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट थर्ड, जिसके अंदर देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग विधेयक नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल की किस देश से संबंधित है? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया के एंटनी ऑफ जनरल ने हाल ही में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग विधेयक जिसे पेश किया और राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग सार्वजनिक क्षेत्र में कमी या प्रणालीगत भ्रष्टाचार की जांच कर और रिपोर्ट करने के लिए एक निकाय है। चौथा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाल ही में खबरों में रही तमिरापानी नदी जो कि किस राज्य की नदी है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु की है। जो अक्सर अक्सर नदियां जो करंट का विषय रहती है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है दोस्तों। तो तमिरापानी नदी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में पश्चिमी घाट की पोथ गई पहाड़ियों से निकलती है। पूछ सकते हैं कि कहां से निकलती है? बेंगलुरु बेस्ड अशोका ट्रस्ट ऑफ रिसर्च एंड द एनवायरमेंट के शोधकर्ताओं ने ट्रेमाइस परियोजना के तहत तमिरापानी नदी को जीर्णोद्धार की पहल की है, यानी नदी को दोबारा से जीवित करने का पहल की जा रही है। कौन सी कंपनी है? तमिरा SES। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा नंबर का। दोस्तों वीडियो लंबा हो जरूर सकता है, आप वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए और दोस्तों को जरूर शेयर करें। देखिए दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्रालयों ने जलदूत ऐप विकसित की है? तो अक्सर पूछ लिया जाता है कौन से मंत्रालय द्वारा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जलदूत ऐप लॉन्च की गई है। इस ऐप का ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय का संयुक्त रूप से विकसित किया है। तो इस ऐप का इस्तेमाल पूरे देश में गांव में चयनित कुओं में जल स्तर को पकड़ने के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर का। सिंपल रजिस्टेंस सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार 2018-2020 में भारत के किस राज्य ने लिंग अनुपात सबसे कम था? 2018 से 2020 तक जो लिंग अनुपात है वो कम कब था? उत्तराखंड के अंदर ये कम था। भारत के महापंजे के द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली के सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड का जन्म के समय लिंग अनुपात 844 पर देश में सबसे खराब पाया गया, यानी उत्तराखंड का सबसे लिंग अनुपात खराब पाया गया। अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर का। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वस्थ ट्रैकथॉन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है दोस्तों आवास व शहरी मंत्रालय के द्वारा। आवास व शहरी मंत्रालय ने हाल ही में स्वस्थ अमृत महोत्सव के तहत स्वस्थ ट्रैकथॉन लॉन्च किया है। इस प्रतियोगिता में खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और स्वस्थ भारत मिशन के चरण 2 के बीच एक अभिसरण है। इसके उद्देश्य खिलौनों को निर्माण में कचरे के उपयोग के लिए समाधान को तलाशना है। तो स्वस्थ ट्रैकथॉन। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेगा चक्र किस संस्था से जुड़ा है? तो मेगा संस्था जुड़ा है दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो से। ऑपरेशन मेगा चक्र के हिस्से के रूप में केंद्रीय जांच ब्यूरो
ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार के मामलों के संबंध में 19 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों में 56 स्थानों पर तलाशी ली है। तो मेगा चक्र किसके द्वारा? केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे सीबीआई में कहते हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? तो ये हो जाएगा उत्तर इसका असम। असम सरकार के द्वारा जलाए गए गेंडे के सिंगों को एकत्रित राख का उपयोग करके बनाई गई 3 गेंडों की मूर्तियों को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लॉन्च किया गया है। और एक साल पहले विश्व रायनो दिवस पर असम सरकार ने शिकारियों को अवैध व्यापारों से संरक्षण अधिकारियों द्वारा एकत्रित किए गए लगभग 2500 रायनो हॉर्न जलाए गए थे। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का, नेक्स्ट, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में कौन सी प्रजाति सामूहिक रूप से 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण करती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चींटियां। हाल ही के अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में मौजूद चींटियां सामूहिक रूप से लगभग 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण करती है। दुनिया भर में चींटियों की संख्या लगभग 20 क्वाड्रिलियन या 20,000 मिलियन आंकी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चींटियां कार्बन का निर्माण करती है, ठोस कार्बन का चींटियों द्वारा किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर कितनी है दोस्तों? तो 32 है दोस्तों। भारतीय रजिस्टर जनरल द्वारा जो रजिस्ट्रार है दोस्तों, इसके द्वारा समय समय पर आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं, उनकी रिपोर्ट है। इससे पहले अपने देखा उत्तराखंड के अंदर लिंगानुपात कम पाया गया, और अब देखिए दोस्तों पांच साल से पर इसके कम बच्चों की मृत्यु दर कितनी है? तो 32 है। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय जनरल 22 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय सिंपल रजिस्ट्रार सिस्टम संघ की रिपोर्ट के अनुसार आईएमआर, यूएफएमआर और एनएमआर में प्रगतिशील कमी देखी जा रही है। 2019 में ये 35 प्रति 1000 जीवित जन्मों के मुकाबले 2020 में 5 साल में कम उम्र की बच्चों में मृत्यु दर 32 प्रति 1000 यानी जीवित जन्मों पर दर्ज की गई है। पहले कितनी थी ये दोस्तों, 2019 के अंदर 35 थी, अब हो गई है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत ने पौधे आधारित मांस उत्पादों जिसे प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट की पहली खेप किस राज्य ने निर्यात की है? तो गुजरात ने। डिटेल्स एक्सप्रेशन देखते हैं वीडियो में। भारत ने पौधों आधारित मांस यानी प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट की पहली खेप गुजरात के खेड़ा जिले ने से अमेरिका के कैलिफोर्निया में निर्यात की है। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण ने शाकाहारी खाद्य श्रेणी के तहत पौधों को आधारित मांस उत्पाद की पहली खेप निर्यात की सुविधा प्रदान की है, और इसने ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, न्यूजीलैंड और अन्य में विभिन्न प्रकार के शाकाहारी खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 13 नंबर, हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय सांकेतिक भाषा डिस्कनर मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो साइन लर्न ऐप, जो दृष्टिबाधित के लिए यह मदद करेगी दोस्तों। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको साइन लर्न नामक एक ऐप का लॉन्च किया गया है, और भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश में मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। ये भारतीय सांकेतिक भाषा के अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र के भारतीय सांकेतिक भाषा, इसके अंदर लगभग 10,000 शब्द मौजूद है इस ऐप के अंदर। सांकेतिक भाषा जो होती है तो दोस्तों जो बोल नहीं सकते वो संकेतों के अंदर जिस प्रकार से बात करते हैं उनको हेल्प करेगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चंद्रमा में चेन साइट नामक एक लूनर क्रिस्टल की खोज की है? तो चीन के द्वारा की गई है चेन साइट नामक एक लूनर क्रिस्टल की। एक्सप्रेशन देख लेते हैं, चीन में शोधकर्ताओं ने चंद्रमा के निकट ज्वालामुखी मलबे में एक नए प्रकार के क्रिस्टलीय की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो संयुक्त वायु सर्वेक्षण पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, और पर्यावरण वन मंत्रालय जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वस्थ वायु कार्यक्रम 2019 के तहत स्वस्थ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा, और इस स्वस्थ वायु सर्वेक्षण 2025 से 2026 तक वायु प्रदूषणों को 40% तक कम करने के लिए NSAP के हिस्से के रूप में तैयार की गई सिटी एक्शन प्लान को लागू करने के लिए देश के 131 शहरों को रैंक करेगा। तो
देखिए दोस्तों, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कंपनी कौन सी है? सोलर फॉर्म कंपनी, उत्तर हो जाएगा इसका अमेजोन। अमेजोन ने राजस्थान में 3 नए सौर फॉर्म के साथ भारत में अपनी पहली सौर परियोजना की घोषणा की है। लगभग इसमें 420 मेगावाट की संयुक्त योजना क्षमता है। अमेजोन लक्ष्य है कि 2025 तक अपने व्यवसाय को 100% नवीकरण ऊर्जा का उपयोग करना है। तो ये राजस्थान के अंदर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अमेजोन कंपनी क्या करेगी? अपनी पहली सौर ऊर्जा कंपनी स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल पर दोहरी भूमिका के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है दोस्तों BAPL यानी ब्रह्मोस एयरफोर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने इसके तहत सतह से सतह मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को दोहरी भूमिका के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रह्मोस एयर स्पेस भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल का दोहरा प्रशिक्षण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा राज्य पर्यावरण मंत्रियों की राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये गुजरात करेगा, राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 6 विषयगत सत्र होंगे, जिनमें जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना, परिवेंस एकीकृत हरित मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, वानिकी प्रबंधन, प्रदूषण के लिए रोकथाम और नियंत्रण, वन्य जीव प्रबंधन, प्लास्टिक और अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में सबसे समृद्ध पुरस्कार कौन सा है? तो ये दोस्तों बेकृत पुरस्कार है जो कि 2010 से दिया जाता है। ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2010 में सिलिकॉन वैली के उद्यमियों के एक समूह द्वारा बनाया गया है, जिसमें एक उद्यम पूंजीपति मिलनर पार्क मार्क जगबग और उनकी पत्नी प्रिसिला चौन को गूगल के सेंगिनी ब्रीन शामिल थे। ब्रेकथ्रू पुरस्कार के 2023 में विजेताओं की घोषणा हाल ही में जीवन विज्ञान श्रेणी व गणित और भौतिकी श्रेणी के लिए की गई। विजेताओं के कुल मिलाकर 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक पुरस्कार की राशि इसमें प्रदान करेंगे। कौन सी कंपनी विश्व विज्ञान का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2010 के अंदर दिया जाएगा। 2010 के अंदर यह शुरू किया गया था, 2023 के अंदर इन पुरस्कारों को दिया जाएगा। विज्ञान की जो जीवन श्रेणी है, गणित, भौतिकी और जो इनकी जो राशि रहेगी $15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर, भारतीय व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय रिजर्व बैंक कौन सा है? तो यूको बैंक, उत्तर इसका हो जाएगा। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में ऋणदाता यूको बैंक रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जिसमें मंजूरी प्रदान करने के लिए वाला पहला बैंक है। कोलकाता बेस्ड बैंक भारतीय रुपये में व्यापार निपटाना के लिए रोज के जो गज फॉर्म बैंक के साथ एक विशेष वोस्ट्रा खाता खोलेगा। जुलाई में RBI ने भारतीय बैंकों को जुलाई में भारतीय मुद्रा व्यापार करने की अनुमति देने के निर्णय की घोषणा की तथा RBI ने भारत और श्रीलंका, रूस सहित अन्य देशों के बीच व्यापार समझौते की अनुमति दी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, UPI लाइट का भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? तो जो UPI लाइट है उसकी सब ऊपरी सीमा क्या है लेन देन की? हो जाएगी ₹200। पूरा देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 में 3 प्रमुख डिजिटल भुगतान के पहल की शुरुआत की है। इन पहलों में UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड, UPI लाइट, भारत बिल पे व क्रॉस बॉर्डर बिल भुगतान आदि शामिल है। भीम ऐप पर UPI लाइट के माध्यम से यूजर्स निकट ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के लेन देन करने में सक्षम होंगे और UPI लाइट का भुगतान लेन देन में ऊपरी सीमा ₹200। तो इसके अंदर के अभी आप देखते हैं कि दोस्तों UPI के माध्यम से आप ऑनलाइन चला सकते हैं, मगर अगर आप ऑफलाइन चलाना चाहते हैं UPI लाइट के अंदर तो आपको इसको ₹200 का ऑफलाइन मोड के अंदर आप भुगतान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में
हर साल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है, नेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ सिंग लैंग्वेज, तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा इसका 23 सितंबर। राष्ट्र संयुक्त महासभा में बाधित लोगों को मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए सांकेतिक भाषा महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 सितंबर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ सिंग लैंग्वेज के रूप में घोषित किया गया। और उस दिन के याद करते हुए जिस दिन 1991 रोम में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ की स्थापना की गई और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा पहली बार 2018 में बाधिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के हिस्से के रूप में मनाई गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा कि गाली संशोधन की कार्रवाई संबंधित कीजिए। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जो कि देखिए दोस्तों, कि गाली समझौता किससे संबंधित है, संशोधन हाइड्रोक्लोरोकार्बन की कमी से संबंधित है। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में रेफ्रिजरेटर के उपयोग को सीमित करने के लिए ओजोन प्रदूषण को 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, 1987 में, किगाली संशोधन की पुष्टि की और अंतर्राष्ट्रीय समझौते में भाग लेने वाले देशों को अगले 14 वर्षों में हाइड्रोक्लोरोकार्बन जैसे HFC के रूप में जाना जाता है उत्पादनों में उपयोग में 85% की कमी करना आवश्यकता है। चीन, भारत, रूस सहित 130 देशों से अधिक देशों में औपचारिक रूप से इस समझौते में पुष्टि की है। जिस प्रकार देखिए दोस्तों, बताया जाता है कि हाइड्रोक्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर से निकलती है तो उसके अंदर कमी करना है। ये गाली समझौता किससे संबंधित है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन की कमी से संबंधित, क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा किससे संबंधित है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन को कम करने के लिए है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, हाल ही में खबरों में रहा मूनलाइट किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मूनलाइटिंग ये संबंधित है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा रोजगार से संबंधित। भारतीय IIT कंपनी जो कि विप्रो ने 300 कर्मचारियों को सेवा समाप्त कर दिया जो कंपनी की प्रतिस्पर्धा के लिए काम कर रहे थे। इस प्रकार एक साथ दो कंपनियों में काम करने वाले मून लाइटिंग कहा जाता है। कंपनियों को चिंता है कि इस प्रथा के हितों का टकराव है, डेटा उल्लंघनों में कंपनी की बौद्धिक संपदा तो IP परिसंपत्तियों को गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो जो दो कंपनियों में काम कर रहे थे उनको दोस्तों विप्रो ने हटा दिया है, उनकी सेवाओं को समाप्त किया क्योंकि उनको डर था कि अगर डाटा का उल्लंघन हो सकता है और जो IP का सेक्टर है उसके अंदर गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है, स्वस्थ दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है, तो किस मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है, इस पूछ लिया जाता है अक्सर क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, स्वदेश दर्शन उत्तर इसका पर्यटन मंत्रालय द्वारा। पर्यटन मंत्रालय ने अपने स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट और डिजिट सर्किट के सहित 15 पर्यटक सर्किटों की पहचान की थी। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जो कि कौन है, किशन रेड्डी ने अम्बेडकर सर्किट को कवर करने के लिए एक विशेष पर्यटन ट्रेन की घोषणा की और यह ट्रेन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़े प्रमुख स्थलों का दौरा करेगी जिसमें मऊ इंदौर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नगर कहा जाता है और नागपुर में यहाँ भी अध्ययन किया जाएगा, दिल्ली में जहाँ उनका निधन हुआ तथा मुंबई में उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो इन स्थानों में क्या करेगी दोस्तों, जो भीमराव अम्बेडकर विचारों को ये ट्रेन चलेगी यहाँ से जिन जिन क्षेत्रों के अंदर, देखिए दोस्तों कहाँ से, नागपुर के अंदर, मऊ, इंदौर और दिल्ली के अंदर और मुंबई के अंदर। अगला क्वेश्चन है, IHCI किस देश द्वारा शुरू की गई उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल, हाइपरटेंशन कंट्रोल इंटेंसिव जो कि किसके द्वारा शुरू की गई दोस्तों, भारत के द्वारा शुरू की, तो इंडिया हाइपरटेंसिव कंट्रोल इंसेटिव इसे कहते हैं IHCI, भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक उच्च रक्तचाप हस्तक्षेप है। यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान जिसे ICMR, राज्य सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठनों भारत के एक सहयोग की एक पहल है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ने क्रिमिनल प्रोड्यूसर आइडेंटिफिकेशन बिल से जुड़ा है, तो ये दोस्तों गृह मंत्रालय से जुड़ा है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। केंद्र सरकार ने क्रिमिनल प्रोड्यूसर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 को अधिसूचित किया है जो जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को
कैदियों के बायोमेट्रिक विवरण एकत्रित करने में सक्षम बनाएगा। कानून अप्रैल 2022 में संसद द्वारा पारित किया गया था। यह कानून एक मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की जांच के दौरान व्यक्ति के माप या तस्वीरों के दस्तावेजीकरण का आदेश देने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 28 नंबर। किस संस्थान ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक विस्तृत ढांचे का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा सेबी के द्वारा किया गया है। भारतीय जो प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक विस्तृत ढांचे का अनावरण किया है। पंजीकरण को प्रकटीकरण आवश्यकताओं के लिए एक गैर लाभकारी संगठन एनपीओ के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की निर्दिष्ट करता है और पूंजी जो बाजार में नियामक सेबी ने पहली सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए सामाजिक उद्यमों को धन जुटाने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए नियमों का अधिसूचित किया गया। तो भारतीय जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है उसके द्वारा शुरू किया गया अनावरण सेबी के द्वारा। अगली है दोस्तों, स्किल सर्टिफिकेशन असिस्मेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयमेंट के द्वारा एक ऐप लॉन्च की है दोस्तों, स्किल, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। किस क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कौशल विकास समाधान प्रदान करती है? तो ये दोस्तों चमड़ा जो से जुड़े हुए हैं कर्मचारी उनके लिए जुड़ी है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री कौनर धर्मेंद्र प्रधान ने स्किल यानी स्किल सर्टिफिकेशन असिस्मेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयमेंट ऐप लॉन्च किया है। ये चमड़ा उद्योगों के जो कौशल सीखने मूल्यांकन रोजगार की जरूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। हाल ही में एशियाई विकास आउटलुक अपडेट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2022-23 के विकास का अनुमान कितना रखा गया है? तो जो एशियाई विकास आउटलुक अपडेट के अनुसार कितना रखा गया है, अनुमान 7% रखा है। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में एशियाई विकास आउटलुक के लिए एक पूरक जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में 2022-23 के विकास का जो अनुमान है अप्रैल में अनुमानित जो घटाकर पहले कितना था 7.5 से घटाकर 7% कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में खबरों में रही माया किस जानवर की दुनिया में पहली क्लोनिंग है? तो ये काफी चर्चा में रही दोस्तों, माया जो कि वर्ल्ड आर्कटिक वुल्फ है, जो कि बीजिंग बेस्ड एक जिन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया की सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है। जंगली आर्कटिक भेड़िया को सफेद भेड़िया या ध्रुवी भेड़िया भी कहा जाता है। यह जानवर कर्नाटक के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप के समूह के उच्च अंटार्कटिका टुंडा व मूल निवासी हैं। क्लोनिंग को दुर्लभ व लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में एक मील का पत्थर उपलब्ध माना जाता है। तो ये दोस्तों इसका हो जाएगा माया जो कि क्लोनिंग बनाए हैं। तो ये अक्सर पूछा जाएगा कि जो क्लोनिंग भेड़िया है वो कहाँ पाया जाता है, अंटार्कटिका के जो टुंडा प्रदेश है उसके अंदर। किस राज्य ने सीएम द हेसी का नाम से एक वे पेट्रोल लॉन्च किया है? तो मणिपुर द्वारा किया गया है उत्तर इसका। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री कौन है, ब्रेन सिंह, हाल ही में सीएम द हेसी को सूचित करे और नाम से एक वेब पेट्रोल लॉन्च किया है। यह आम जनता की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों की स्थिति में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्ताना किस देश की नई राजधानी है? तो यह कजाकिस्तान की है दोस्तों। कजाकिस्तान राष्ट्रपति असीम जोमार्ट व ने राष्ट्रपति पद को सीमित करने और देश की राजधानी को पुराने नाम से अस्ताना को वापस लाने के लिए कानून प्रस्तावित किए हैं। ये बिल राष्ट्रपति के जनादेश को 5 से 7 साल कार्यकाल बढ़ाता है। यह किसी भी राष्ट्रपति के कार्यकाल में दूसरे कार्यकाल की प्रतिस्पर्धा करने को उसे रोकता है। इस बिल के अनुसार राजधानी के अस्ताना नाम को फिर से बहाल कर दिया गया, जिसका नाम निवर्तमान राष्ट्रपति नूर सुल्ताना नजरे बोविक के सम्मान में 2019 में बदलकर क्या कर दिया था, नूर सुल्तान कर दिया गया था। और वापस से इसका नाम क्या कर दिया दोस्तों, अस्ताना कर दिया गया है। चर्चा का विषय है दोस्तों ये देश, तो पूछ लिया जाता है कि इसके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है। संयुक्त हाल ही में भारत संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के किस शहर में अपनी पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक आयोजित की है? तो ये न्यूयॉर्क में आयोजित की है दोस्तों। भारत संयुक्त अरब इमरात फ्रांस संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र इतर
सूत्र के अनुसार न्यूयॉर्क में पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रालयों की बैठक आयोजित की गई। मंत्रियों ने सामरिक भागीदारी और यूएन सदस्यों के बीच विचारों के सक्रिय आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए कूटनीतिक समकालीन तरीकों का चर्चा की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर 2022 में ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये मुंबई करेगा दोस्तों। मुंबई फिनटेक फेस्ट आयोजन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिलिंग द्वारा किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री जो कि निर्मला सीतारमण है और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भाग लिया। तो ग्लोबल फिनटेक कहां पर हुई? मुंबई के अंदर। अगला क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा की गई ये पहल है। सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने वर्चुअली मॉडल डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। पिछले 20 वर्षों से दिव्यांगजनों को प्रभावी पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए DDRCS की स्थापना की गई। तो कौन से मंत्रालय के द्वारा? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई ये योजना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम को मेजबान कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा दोस्तों पीटर्सबर्ग, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। क्या है डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह अमेरिका के पीटर्सबर्ग में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ओके, स्वस्थ ऊर्जा नवाचार और तैनाती में तेजी लाने के लिए तरीकों पर चर्चा करने के लिए 30 से अधिक देशों के मंत्री इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम कहां लॉन्च होगा? पीटर्सबर्ग में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नीति आयोग जैसी भारतीय संस्था स्थापित करने की घोषणा की है? तो जिस प्रकार केंद्र के अंदर नीति आयोग वर्क करता है थिंक टैंक के रूप में, उसी प्रकार महाराष्ट्र सरकार ने भी एक घोषणा की है कि नीति आयोग के तर्ज पर एक संस्थान स्थापित करेगा, योजना बना रही है इस संस्थान के व्यापक डेटा विश्लेषण करने का और राज्य में विभिन्न क्षेत्रों पर निर्णय लेने के लिए यह जिम्मेदार होगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को जरूर करें और लाइक करें, वीडियो को बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत 2022 तक श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता कौन सा देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है ऋणदाता? ये भारत बन गया दोस्तों। इससे पहले चीन था जो कि चीन को पछाड़ के भारत क्या है श्रीलंका को ऋण देने में मामले में फर्स्ट नंबर पर आ चुका है। भारत 2022 के 4 महीनों में चीन को पीछे छोड़ते हुए कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ऋण देकर श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया है द्विपक्षीय ऋणदाता में। चीन 2017 से 2021 तक पिछले 5 वर्षों में श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी थी। तो अब कौन हो गया दोस्तों? भारत हो गया है जो कि श्रीलंका के अंदर ऋण देने वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुश्ती विश्व कुश्ती चैंपियन में 4 पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन है? तो दोस्तों बजरंग पूनिया इसका उत्तर हो जाएगा। जो विश्व कुश्ती होती है उसके अंदर प्रमुख 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया ने हाल ही में बिलग्रेड में कुश्ती विश्व कुश्ती चैंपियन में पुरुषों के जो 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। इस पदक के साथ बजरंग पूनिया में कुश्ती विश्व चैंपियन में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने जीता था 2013 के अंदर कांस्य पदक, 2018 के रजत पदक जीता था और 2019 के अंदर उन्होंने कांस्य पदक जीता। अन्य भारतीय पहलवानों विनेश फोगाट ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है पूरी न्यूज दोस्तों, 4 पदक जीतने वाले प्रमुख रूप से कौन है? बजरंग पूनिया। इनका जो 65 किलोग्राम वर्ग है ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2022 तक GDP के अनुपात के रूप में लॉजिस्टिक लागत क्या है? तो 13 से 14% है उत्तर इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जिसे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी शुरू की है जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करके पूरे देश में माल को निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य घरेलू व वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मक को सुधार करना है। 2023 में संघाई सहयोग संगठन, इसमें संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
एसटीओ की मेजबानी कौन सा देश है, कौन सा देश ने किया? तो ये किया दोस्तों भारत देश ने उज़्बेकिस्तान के समरकंद में, भारत की जो 8 सदस्यीय संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एससीओ शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जिसे गुंडन अध्यक्षता में सौंपी और एससीओ को 8 पूर्ण सदस्यों में, जिनमें से 6 संस्थापक चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल है, भारत और पाकिस्तान पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का, राष्ट्रीय राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार पाने वाली विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञान पत्रिका है? तो ये CSIR के द्वारा जारी की जाती है। एक्सप्रेशन देख लेते हैं, विज्ञान और प्रगति विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद से CSIR कहते हैं द्वारा जारी लोकप्रिय पत्रिका, विज्ञान पत्रिका जारी की गई। गृह मंत्रालय की राजभाषा विभाग को की ओर से सूरत में आयोजित दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में पत्रिका का राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला और विज्ञान प्रगति पत्रिका का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इंपोर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों। अगला है क्वेश्चन 44, सुधारवादी नेता ईवी जो कि रामास्वामी पेरियार के जन्मदिन पर कौन सा राज्य के सामाजिक न्याय दिवस मनाता है? तो कौन सा राज्य मनाता है दोस्तों, जो रामास्वामी पेरियार के रहने वाले थे, तो तमिलनाडु मनाता है। तमिलनाडु सरकार द्वारा सुधारवादी नेता ईवी रामास्वामी पेरियार के जन्मदिन को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाती है हर साल। अगला क्वेश्चन है 45, भारतीय तटीय सफाई दिवस अभियान का नेतृत्व कौन सी संस्था करती है? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया जाता है। पूरा क्या है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस नेशनल कोस्टल क्लीन अप डे सितंबर के जो तीसरे शनिवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल जिसे ICG 2006 में भारत में किस भारत में इस अभियान के अंदर नेतृत्व किया है? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो लंबा होने वाला है तो धैर्य से बैठे रहिए क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चन इसमें डिटेल से डाले गए हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य कहीं करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना 46, द ग्रीन पेंस हब का पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच किन संस्थान के द्वारा जुड़ा है? तो ये UNEP के द्वारा बनाया है द ग्रीन पेंस हब। क्या है एक्सप्लेनेशन, ये अब तक का पहला वैश्विक समुद्र पर्यटक उद्योग मंच है। इस टूर को द रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जो है उसके साथ साझेदारी विकसित किया गया और यह उपकरण समुद्री संरक्षण पर्यटन उद्योगों में स्थिरता सुनिश्चित को दूर करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है 47, अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडर ने किस देश के प्रतिनिधित्व करते हैं? तो जो रोजर फेडर है किस देश से प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों, स्विट्जरलैंड से करते हैं। ये दुनिया के जो महानतम खिलाड़ी है टेनिस खिलाड़ियों में से गिने जाने वाले रोजर फेडर ने घोषणा की है कि वो 41 साल की उम्र में पेशेवर टेनिस से संन्यास लेंगे, इसलिए चर्चा में दोस्तों। उन्होंने स्विट्जरलैंड के जो पूर्व 20वें नंबर वन की घोषणा की, लेवर कप में आगामी संस्करण उनका अंतिम ATP टूर्नामेंट होगा। यह 2018 में 36 साल की उम्र में दुनिया की सबसे उम्रदराज नंबर वन खिलाड़ी बने थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने भारत की सरकारी स्कूल छात्रों की नाश्ता योजना शुरू की है? सरकारी स्कूलों में नाश्ता योजना शुरू की है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। मदुरई के जो कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए नाश्ता योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अध्ययनों में निष्कर्ष निकाला है कि नाश्ते कार्यक्रमों को से सीखने के और कौशल और स्कूल में उपस्थिति में सुधार हुआ। तो इस प्रकार से तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई है कौन सी योजना, सरकारी स्कूल छात्रों नाश्ता योजना। अगला क्वेश्चन है 49, इस संस्थान के आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा किया गया। आंगन 2022 जिसे फुल फॉर्म क्या है, एनिमेटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिट का दूसरा संस्करण हाल ही में मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स
शीर्षक के साथ आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में ऊर्जा दक्षता को कार्बन और स्वच्छता को कम करने के लिए चर्चा हुई। तो आंगन 2022 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा। अगला नंबर है 50 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, टोटल 120 क्वेश्चन इसके अंदर है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो मंत्रालय से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। किस मंत्रालय? रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत देश भर में 8,700 से अधिक प्रधानमंत्रियों ने भारतीय जनऔषधि केंद्र खोले गए हैं। वे सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाले जेनरिक दवाइयां, सर्जिकल उपकरण बेचते हैं। सरकार ने हाल ही में जनऔषधि केंद्रों में मधुमेह की जो सिटागिस्टिन को इसकी संयोजनों में 60 रुपए प्रति दस के रूप में पैक लॉन्च किया है। तो जनऔषधि के रूप में इसको, यानी 60 रुपए में 10 पैकेट जो सर्जिकल जिस प्रकार से उपकरण बेचते जाते हैं, तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों। किस मंत्रालय के द्वारा? रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का, कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो उज्बेकिस्तान करेगा। शंघाई सहयोग संगठन जिसके अंदर देखिए दोस्तों, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रहा है। ये 2 साल का एससीओ पहला व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन है। इस सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागीदारी दिखाई। देखिए इस बैठक का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करना, बीच व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा आपूर्ति को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का, शून्य अभियान यूनियन कैंपेन के अनुसार हाल ही में खबरों में रहा का लक्ष्य क्या है? तो ईवी का उपयोग करके वायु प्रदूषण को कम करना है। शून्य राइड हेलिंग और डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग को बढ़ावा देकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक जागरूकता अभियान। इस कार्यक्रम के दौरान नेशनल प्रोग्राम एंड ऑन एंड एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्टोरेज रिपोर्ट भी लॉन्च की गई है। शून्य अभियान किसके द्वारा, किसके माध्यम से है दोस्तों? जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनको बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना शून्य अभियान से रहा है। अगला क्वेश्चन है 53, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को हाल ही में रैंकिंग में कौन सा भारतीय प्राणी उद्यान शीर्ष पर है? यानी कौन सा भारतीय प्राणी उद्यान शीर्ष पर है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जायोलॉजिक पार्क जो कि दार्जिलिंग में है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा प्रबंधन एवं प्रभावशाली के आधार पर जारी सूची के अनुसार पद्मजा नायडू हिमालयन जायोलॉजिक पार्क दार्जिलिंग में दार्जिलिंग को उच्चतम 83% दिया गया है। हिमालय ब्लैक बियर के अलावा लाल पांडा, हिम तेंदुआ, गोरल, हिमालयन थार इस चिड़ियाघर में शीर्ष आकर्षण का केंद्र है। और चेन्नई में जो अरिगनार अन्ना जियोलॉजिक पार्क है वो दूसरा स्थान हासिल किया गया। इसके बाद मैसूर के जो राजेंद्र जियोलॉजिक गार्डन का स्थान प्राप्त हुआ है तीसरा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबान देश कौन सा रहा? भारत रहा। भारत के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 17वां जो महिला विश्व कप के तहत फेडरेशन इंटरनेशनल ने टी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की मेजबानी करने के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर किए और उसको मंजूरी दी। प्रतिष्ठित फीफा अंडर 17 जो कि महिला विश्व कप भारत के पहली बार 11 से 30 अक्टूबर 2022 को बीच आयोजित किया जाएगा। भारत ने इससे पहले 17 जो कि अंडर 17 पुरुष का जो मेजबानी किया था जो कि उड़ीसा के अंदर हुआ था दोस्तों, अब महिला जो कि फीफा अंडर 17 का आयोजन कर रहा है भारत। अगला है 55 नंबर, विश्व जल कांग्रेस प्रदर्शनी वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन कल मेजबानी 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो डेनमार्क कर रहा है। विश्व जल कांग्रेस प्रदर्शनी 2022 केप होगन डेनमार्क द्वारा आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भारत में शहरी अपशिष्ट जल प्रदर्शन पर एक वेद पत्र लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, उद्यमी पूंजी निजी एक्टिविटी के सामने आने वाले मुद्दों को समाधान के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? तो यह एम दामोदरन। तो वित्त मंत्रालय ने सेबी के पूर्व प्रमुख रहे एम दामोदरन ने अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठन किया गया है जो कि
उद्यम पूंजी और निजी एक्टिविटी द्वारा निवेश को बढ़ाने के लिए नियामक मुद्दों को हल करने के उपाय की जांच करेगी और सुझाव देगी। अगला क्वेश्चन है 57, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची नेशनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन मेडिसिन की दवाइयां शामिल है, के अंदर कितनी है, 384 दवाएं शामिल है। केंद्र स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय जो कि कौन है, मनसुख मंडाविया की आवश्यक दवाओं की सूची जारी की है जिसके अंदर नेशनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन मेडिसिन 2022 लॉन्च किया गया है और NLEM के द्वारा सस्ती गुणवत्ता वाली दवाओं को क्या है पहुंच सुनिश्चित करती है, नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पर सेबी की जेब से खर्च को कम करने की मदद करती है और इस सूची में 34 दवाओं को मिलाकर शामिल कर 384 दवाएं शामिल की गई है, पिछली सूची में 26 को हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 58, भारत 2022 में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का मेजबान कौन कर रहा है दोस्तों, तो सूरत कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सूरत में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को भाग लिया। इस सम्मेलन में आयोजन हिंदी दिवस के अवसर पर किया गया और जो पूरे देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिटवी स्टार्टअप हब ने एक्स स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च करने की के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है दोस्तों, मेटा के द्वारा की है। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मेटा की एक पहल के अनुसार भारत भर में एक्स आर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में तेजी लाने के लिए एक तरह का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। एक्स आर स्टार्टअप प्रोग्राम 20 लाख से रुपयों के अनुदान के साथ ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी सहित XR प्रौद्योगिकी को काम कर रहे हैं 40 शुरुआती चरणों में स्टार्टअप का समर्थन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्ता लेनर कॉन्स्टेलेशन नामक एक घटना के कारण 14 सितंबर को कौन सा ग्रह दृष्टि से गायब हो गया था, तो दोस्तों ये था यूरेनस। सूर्य से छठा ग्रह यूरेनस 3.5 घंटे के लिए दृष्टि से पार होते हुए सीधे पृथ्वी के चंद्रमा के पीछे से गुजरता हुआ दिखाई दिया। गायब होने की क्रिया में यूरेनस की चंद्रमा गुरुता के रूप में भी जाना जाता है। केवल यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के दर्शक इस घटना को देखने के लिए बिल्कुल ही सही कोण पर थे। ये चंद्र गुरुता की घटना घटी जिस प्रकार यूरेनस क्या हुआ चंद्रमा के जस्ट पीछे गुजरा, जो कि यूरोप और अफ्रीकी देश और पश्चिमी एशिया के कुछ देश इस घटना को देख पाए हैं। अगला क्वेश्चन है, आधारित आंकड़ों के अनुसार भारत में अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति दर्ज कितनी गई है, तो आंकड़ों के अनुसार खाद्य मुद्रा पदार्थों की ऊंची कीमतों के कारण भारत में खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में 6.71% से बढ़कर 7% हो गई है। उपभोक्ताओं को सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति लगातार 8वें महीने में RBI के 6% लक्ष्य के स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में भारत का औद्योगिक उत्पादन 2.4% बढ़ा, जबकि IIP जुलाई 2021 में यह 11.5% बढ़ा। अगला क्वेश्चन है, FAO के 30 खाद्य कार्यक्रम ने हाल ही में भारत को किस पड़ोसी देश को 3 खाद्य सुरक्षा के बारे में चेतावनी दी है, तो ये कौन सा है दोस्तों, श्रीलंका। श्रीलंका में कृषि संगठन जिसे अंतर्राष्ट्रीय FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि श्रीलंका में लगभग 6.3 मिलियन लोगों के मध्यम से गंभीर तीव्र खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 63, भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान को नामीबिया से चीतों को पेश करने के जा रहा है, तो ये दोस्तों कुन्नु पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है। कुन्नु पालम राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिणी अफ्रीका के नामीबिया से चीता को फिर लाने की योजना बनाई जा रही है। यह 1952 में भारत में चीता बिल्कुल विलुप्त हो गए थे, उसके बाद 2009 में अफ्रीकी चीता इंट्रोडक्शन प्रोडक्शन इन इंडिया शुरू किया गया, तो वर्तमान में लगभग 8 चीतों को भारत में लाया गया है 1952 के बाद। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुनिया भर में 50 मिलियन लोग आधुनिक दासता यानी मॉडर्न स्लेवर में फंस गए हैं, तो ILO संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में जारी में कहा गया है कि
दुनिया भर के 50 मिलियन लोग आधुनिक दास्ता में फंस गए हैं। अगला क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन, 2018-19 में सकल घरेलू राष्ट्र उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा कितना है? तो 1.28% है। 2018 और 19 के लिए भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा नेशनल हेल्थ अकाउंट के अनुमानों के अनुसार निष्कर्ष के अनुसार देश में कुल सकल घरेलू उत्पाद सरकारी स्वास्थ्य व्यय के हिस्से में वृद्धि हुई है। यह हिस्सा 2013 और 14 में 1.15% से बढ़कर 2018-19 में यह कितना हो गया? 1.8 हो गया। 2017-18 में यह आंकड़ा 1.35 था। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी में मेजबान का मेजबान है? कौन सा भारतीय शहर? यह कोटा आंसर हो जाएगा इसका। 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME के कर्मल्य प्रदर्शनी के द्वारा उद्घाटन हाल ही में कोटा राजस्थान में किया गया। प्रदेश में यह पहली बार इस कन्वेंशन का होने वाला आयोजन किया जा रहा था। इस प्रदर्शनी में T-90 और BMP-2 टैंक और आर्टिलरी गन एंड स्नाइपर मशीन गन सैन्य पुल सहित कई रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन किए गए। कई स्टार्टअप और MSME के में उत्पादनों में प्रदर्शन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से संबंधित है, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का विजेता 2022 का विजेता कौन है? तो कोलस एलकारुज्जू के द्वारा जीता गया है ये US ओपन। तो स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारुज ने US ओपन का फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। ऐसा करने वाले ये पहले हैं। किस भारतीय सशस्त्र बल ने पर्वत प्रहार का अभ्यास आयोजित किया है? पर्वत प्रवाह किस भारतीय सेना के द्वारा यह किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय सेना पर्वत प्रवाह नामक का एक 20 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास आयोजित की जा रही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे LAC जो गोगरा हार्ड स्प्रिंग क्षेत्र में भारत और चीन के बीच विघटन प्रक्रिया के बीच आयोजित किया जा रहा है। और भारतीय सेना के जनरल प्रमुख मनोज पांडे ने पर्वत प्रवाह का अभ्यास की समीक्षा की। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये दोस्तों ग्रेटर नोएडा में हुआ। एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट के अनुसार उद्घाटन किया। और भारतीय डेयरी उद्योग को वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 23% का हिस्सा, सालाना लगभग 210 मिलियन टन का उत्पादन करता है। 70 नंबर क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क के किस स्तंभ से हाथ खींच लिया है? तो दोस्तों हाल में ये चर्चा में रहा, काफी न्यूज में भी रहा, व्यापार स्तंभ से अपना हाथ खींच लिया है। भारत ने अमेरिका के नेतृत्व में वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क के व्यापारी संबंधी वार्ता से हाथ खींच लिया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने IPEF के व्यापार संबंध में शामिल नहीं होने के भारत की इस फैसले की पुष्टि की। और IPEF मंत्री स्तरीय बैठक हाल ही में अमेरिका द्वारा आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है 71, किस केंद्रीय मंत्रालय ने EU इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम का आयोजन किया गया है? तो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। ये पहला है यू इंडिया ग्रीन हाउस हाइड्रोजन फोरम यूरोपियन संघ के प्रतिनिधित्व और नवीनीकरण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसे भारतीय उद्योग परिसंघ हाइड्रोजन यूरोप के सहयोग से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है 72, न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किस राज्य ने सम्मान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने सम्मान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानियत न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया। इस समिति के हाल ही में लोगों को जो प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया। राज्य के लोग इस पोर्टल को लॉग इन करके सुझाव शिकायतें साझा कर सकते। अगला क्वेश्चन है
15 किस देश के पहले पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाले मानव रहित वायु हवाई वाहन है का नाम क्या है? चीन है दोस्तों। चीन ने अपने पहले पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाले मानव रहित हवाई वाहन का सफल परीक्षण किया है, जिसका नाम क्या रखा है दोस्तों? क्यूमेनजिंग, जो कि 50 नामक यह है यूएई कई महीनों तक उड़ सकता है। आवश्यकता पड़ने पर यह उपग्रह के रूप में भी कार्य कर सकता है। यह केवल सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला पहला बड़े आकार का क्या है? मानव रहित हवाई वाहन है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पहले भारतीय सतत में तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन मेजबान करेगा? उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत के सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन भारत के तटीय समुदायों के जलवायु लचीलापन बढ़ाने के पर केंद्रित था। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबे रबर बांध गाइची बांध का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में किया गया तो ये हो जाएगा बिहार दोस्तों। यानी भारत के सबसे लंबे रबर बांध गाइची बांध का किस राज्य में उद्घाटन किया गया? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फाल्गुनी नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गाइची बांध उद्घाटन किया। यह रेत के टीलों पर एक विशाल खंड है। अपने पितृपक्ष मेले के दौरान आने वाले आगंतुकों की सुविधा के लिए स्टील फुट ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया। इस बांध का IIT रुड़की के मार्गदर्शन में 324 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, UNDP के मानव विकास सूचकांक में भारत का रेट कौन सा है? तो ये पूछा जाता है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा इसका 132। 2021 में मानव विकास सूचकांक में भारत 191 देशों के क्षेत्रों में 132वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की एक रिपोर्ट के अनुसार जीवन प्रतीक्षा में गिरावट के कारण देश में प्रदर्शन में पिछले सत्र से गिरावट आई है। 2020 की रिपोर्ट में भारत 189 और क्षेत्रों में 131वें स्थान पर था। भारत का कौन सा खिलाड़ी हाल ही में डायमंड लीग चैंपियन बना है? तो नीरज चोपड़ा ने के द्वारा 88.44 मीटर थ्रो के साथ भारत के पहले डायमंड ट्रॉफी विजेता बने हैं। चोपड़ा ने इसे पहले 89.08 मीटर थ्रो करके लुसाने डायमंड लीग जीती थी। अगला क्वेश्चन, 78 नंबर, 2022 के लिए फॉर्च्यून इंडिया इंडियाज रिसर्च सूची में किस व्यवसाय को पहले स्थान पर रखा गया है? तो गौतम अडानी को। फॉर्च्यून इंडिया ने 2022 के लिए इंडिया रिचेस्ट की सूची के अनुसार गौतम अडानी को 10.29 ट्रिलियन के रुपए की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर रखा है। और यह भारत में स्थित 142 अरबपतियों की संपत्ति सामूहिक रूप से 832 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुसार फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने हाल ही में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो ये दोस्तों, जो पहले कई बार जो फर्स्ट नंबर पर रहे हैं उनको पीछे छोड़ के गौतम अडानी तीसरे नंबर के क्या है, वो रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं। अगले क्वेश्चन है अपना 79, किस राज्य ने रेजिडेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देश्यीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है, उत्तर हो जाएगा इसका राइट आंसर मेघालय। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, मेघालय सरकार के द्वारा बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल मेघालय रेजिडेंसी सेफ एंड सिक्योरिटी एक्ट लॉन्च किया गया। डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में पूरे मेघालय में 6,000 से अधिक गांवों को इलाकों को इसका ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, WHO ने 2030 तक पूरे अफ्रीका में किस बीमारी के लिए एक टीका शामिल करने के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अभियान शुरू किया गया है? तो बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2030 तक पूरे अफ्रीका में बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस का प्रकोप को खत्म करने के लिए एक नया टीका शामिल करने में 101.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुरू किया गया है। अगला है क्वेश्चन 81 नंबर, निक्से 2.0 पेट्रोल जिसके अनुसार हाल ही में लॉन्च किया गया किस बीमारी से संबंधित है? तो ये दोस्तों क्षय रोग से संबंधित, भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीबी के मुक्त भारत अभियान ने निक्से 2.0
ओको पेट्रोल को लॉन्च करने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2025 तक डीबीटी को खत्म उन्मूलन करने के लिए ये लक्ष्य रखा है और निश्चय 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों को सामुदायिक समर्थन के लिए एक डिजिटल मंच है। यह तपेदिक रोगियों के उपचार परिणाम सुधार के लिए अतिरिक्त रोगी सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, किस राज्य ने यूजी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए महिला छात्रों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पुदुमई पेन योजना शुरू की है? तो याद रखिए दोस्तों, पुदुमई पेन योजना उत्तर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने मुवल्लूर राम मीरियत MUR उच्च शिक्षा आश्वासन योजना के अनुसार मुवल्लूर राम नेतर एमिन्योर हायर एजुकेशन एश्योर स्कीम शुरू की गई है। इसका नाम क्या है? पुदुमई पेन योजना के रूप में जाना जाता है। ये स्नातक डिग्री की डिप्लोमा ITI या किसी भी अन्य मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए महिला छात्रों को 1,000 रुपये की मासिक अनुदान प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गतिशक्ति के लिए रेलवे भूमि को दीर्घकालीन पट्टे पर देने की नीति के अनुसार भूमि पट्टा किस अवधि तक प्रदान किया जाता है? तो 35। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM गतिशक्ति कार्यक्रम के लिए रेलवे की जमीन को लंबी अवधि के पट्टे पर देने की नीति मंजूरी दे दी है। नई नीति के वर्तमान में 5 साल की तुलना में 35 साल से लंबी अवधि के लिए भूमि पट्टा प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगी। यह नीति बुनियादी ढांचे और अधिक कार को विकास में सक्षम करेगी। साथ ही जमीन की लीज 6% से घटाकर 1.5% कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है 84। भारत सरकार ने किस संस्था के साथ व्यापार निपटान के लिए विशेष रुपया खातों में सुविधा के लिए एक कार्य योजना तैयार की है? RBI बैंक के द्वारा। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर व्यापार निपटान विशेष रुपया बातों की सुविधा के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। बैंकों के साझेदार व्यापारिक देशों की बैंकों में विशेष रुपया हस्तर खाते खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ये कहा गया है। इसका उद्देश्य अमेरिकी डॉलर के बजाय रुपये में सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 85। कौन सा राज्य 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाता है? तो उत्तराखंड राज्य। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को क्षेत्र को संरक्षण के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य में 9 सितंबर को हर साल क्या मनाते हैं? हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री 2015 के आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगला है 86। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना नी कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान को मंजूरी दी है? तो यह है उत्तर हो जाएगा कर्नाटक सरकार के द्वारा। वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में पर्यावरण के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में गोल्ड फिंच शहर में 3800 करोड़ रुपए की विभिन्न कार्यों की नींव रखी। तो कर्नाटक दक्षिणी भारत का पहला राज्य है जो देश में केवल दूसरा राज्य है जिन्हें तटीय विनिमय क्षेत्र कोस्टल रीजनल जोन अधिसूचना के अनुसार योजना तैयार और अनुमोदित की। 87 क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का विदेशी निवेश ऋण कितना है? तो $220 बिलियन। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा स्टेटस रिपोर्ट को आइडियाज एक्सप्लेन डाउट 2021-22 के अनुसार 2022 तक भारतीय विदेशी ऋण सालाना आधार 8.2% बढ़ाकर $6.27 अरब हो गया है। अगला क्वेश्चन है 88। भारत के रियायती वित्त पोषण योजना के तहत निर्मित मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट उद्घाटन किस देश में किया गया? मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट दोस्तों बांग्लादेश में किया गया है। इसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के संयुक्त रूप से मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया गया। इस परियोजना का निर्माण भारत के रियायती वित्त पोषण की योजना के तहत किया जा रहा है, यानी भारत से कैसे दे रहा है बांग्लादेश को इस प्रोजेक्ट के तहत। यह प्रोजेक्ट बांग्लादेश के राष्ट्रीय ग्रिड 1320 मेगावाट जोड़ देगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने बीच में जल संसाधन, रेलवे, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहित 7 समझौतों पर आदान प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है 89। किस कंपनी ने INCOVACC का नाम भारत का पहला इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन विकसित किया गया है? तो भारत बायोटेक के द्वारा। भारत की औषधि महानियंत्रक DGGI ने 18 वर्ष से पहले
अधिक आयु 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों में प्रतिबंध आपातकालीन उपयोग के लिए देश में पहली एंट्रानोजल कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है, जिसका नाम क्या रखा है दोस्तों, इनकोविस। और ये वैक्सीन भारत के बायोटेक द्वारा विकसित की गई है। दोस्तों कौन सी कंपनी द्वारा विकसित की, भारत के किस देश ने सहयोग इंटरनेशनल काउंटर जो कि इंटरनेशनल काउंटर रीजन प्योर इंटेटिव फाइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया अभियोजित किया, तो दोस्तों यूके द्वारा आयोजित किया। आंसर भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग सेक्रेटरी ने यूके सरकार के बीएई के सिस्टम में सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह अभ्यास इंटरनेशनल काउंटर रैनसम वेयर इंटीग्रेटिव रिजाइलिंग वर्किंग ग्रुप के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गए हैं, तो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज में कौन से देश शामिल हुए हैं, वारंगल त्रिशूर नीलांबुर, तेलंगाना के वारंगल को और केरल के त्रिशूर और नीलांबुर, केरल के त्रिशूल और नीलांबुर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग साइट्स के रूप में शामिल किया गया है। 44 देशों के 77 शहरों को हाल ही में सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। शहरों की स्थानीय स्तर पर अपनी समुदायों में आजीवन सिखाने को बढ़ावा देने और उत्कृष्ट प्रयासों को सम्मान में इस सूची को शामिल किया। 92 क्वेश्चन है, सरकार ने किस शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कल्चर क्लस्टर को मंजूरी दी है, पुणे के द्वारा, उत्तर इसका हो जाएगा पुणे। सरकार ने 500 करोड़ रुपए के लागत में पुणे की एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्रस्ताव से 2000 करोड़ रुपए के निवेश से आकर्षित करने की उम्मीद है। यह क्लस्टर 297 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो ये अपना राजस्थान के द्वारा। राजस्थान में शहरी गरीबों के लिए देश की पहली सरकार गारंटी योजना इंदिरा गांधी शहर गारंटी योजना इंदिरा गांधी शहर रोजगार योजना के तहत शुरू की गई है। यह देश की पहली ऐसी योजना है जो शहर के अंदर 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराएगी एम्प्लॉयज को। और दोस्तों 9 सितंबर से 800 करोड़ रुपए के बजट से होगी। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को 100 दिनों का गारंटी का योजना प्रदान करना है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने कोविड-19 महामारी में अपनी नौकरी खो दी। अगला क्वेश्चन है, 94 इसरो ने बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भागीदारी की है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के बीच 6 समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष एजेंसी ASA के भारत में ऑस्ट्रेलिया दोनों के द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी बाजार विकसित करने के लिए एक साझेदार करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीएम श्री योजना हाल ही में लॉन्च किया गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग इंडिया योजना के लिए प्रधानमंत्री स्कूल पीएम की घोषणा की है। इस योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को पीएम स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। उनके पास शिक्षा प्रदान करने का एवं आधुनिक परिवर्तन करने का तरीका होगा। अगला क्वेश्चन है, 96 लीज ट्रस्ट को किस देश के नई प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है, दोस्तों ये दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के द्वारा आंसर हो जाएगा इसका। कौन सी पार्टी से है, ये कंजर्वेटिव पार्टी के नेता लीज ट्रस को यूनाइटेड किंगडम की नई प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। 47 वर्षीय जुलाई में बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के अतिरिक्त नेतृत्व प्रतियोगिता में अपनी प्रतिद्वंद्वी व पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सनक को हराया गया। थेरेसा मे इस मॉर्गेट थेचर के बाद लीज ट्रस को क्या बनाया गया, तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनाया गया। 97 क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेल अहमदाबाद में सुबकर का नाम क्या है, तो जो 36वें राष्ट्रीय महिला खेलों का महाकुंभ आयोजन किया गया इसका नाम क्या रखा गया, स्वज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय आंदोलन का सुबकर किया।
और गान और सुमर शुभारंभ किया। इस अवसर पर सवज नाम दिया गया इस शुभंकर को, जिसका गुजराती में अर्थ होता है सावक। राष्ट्रीय खेलों में आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक राज्य के 6 शहरों में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98, तो किस राज्य द्वारा राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रियों की सम्मेलन मेजबानी की जाएगी? तो गुजरात के द्वारा। राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व साइंस सिटी अहमदाबाद में किया। इस कन्वेंशन में लॉबिंग, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, R&D बाई 2030 के विषय पर चर्चा होगी। अगला क्वेश्चन है 99, कोविड 19 वैक्सीन में सुई मुक्त संस्करण की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? चीन। चीन कैंसिनो बायोलॉजिकल द्वारा बनाए गए कोविड 19 वैक्सीन की सुई मुक्त संस्करण को मंजूरी देने वाला देश का पहला बन गया है, देश बन गया है। चीन की बूस्टर वैक्सीन के रूप में आपातकालीन उपयोग के कैनिसिनो में ADF5NCO को मंजूरी दे दी, यानी कोविड 19 के मुक्त टीके की और सिरिंज देने के लिए चीन ऐसा देश करने वाला पहला है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया गया है? तो किर्गिस्तान। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किर्गिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना पूर्व विशेष दूत नियुक्त किया है। और रोजा एंटनबोयोवा, जिन्होंने किर्गिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में भी काम किया है, ने डोबरा लियोन की जगह लिए। इन्होंने इस साल जून में पद छोड़ दिया था। IMF सितंबर 2022 में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो ये भारत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा आंकड़ों के अनुसार भारत 2021 के अंतिम सप्ताह तिमाही में यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी किस देश, किस राज्य या क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? तो ये हो जाएगा इसका आंसर लद्दाख। लद्दाख में के अंदर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख में भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। यह काम अगले 3 महीनों में पूरा हो जाएगा। डार्क स्काई तंगथांग वन्य जीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में लद्दाख को हानियल में स्थित किया जाएगा। यह भारत के एंट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देगा, एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देगा। इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश को प्रशासन लद्दाख स्वाति फाड़ी विकास परिषद लेह और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। 103 नंबर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के लिए किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो पश्चिम बंगाल पर। आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पश्चिमी पश्चिम बंगाल को सरकार के ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन मानदंड उल्लंघन करने के लिए मुआवजे के रूप में 3500 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है। बंगाल सरकार के पास ट्रिब्यूनल द्वारा समीक्षा करने या सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 104 नंबर, हाल ही में आयोजित 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन स्थल कहाँ है, कौन सा है? तो तिरुवनंतपुरम। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा तिरुवनंतपुरम में 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 26 मुद्दों पर चर्चा हुई, 9 मुद्दों का समाधान किया गया, 17 मुद्दों को आगे के विचार के लिए सुरक्षित रखा गया। क्षेत्रीय परिषद की बैठक के मुख्य उद्देश्य केंद्र व राज्य में विवादों, आपसी समझौते व मध्यस्थ माध्यम मार्ग और से राज्य और अंतरराज्य विवादों को निपटाना, राज्य के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना अन्य शामिल है। अगला क्वेश्चन 105 नंबर, राष्ट्रीय कानूनी सेवा नेशनल लीग ऑफ सर्विस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को। क्या है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नालसा के प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। भारत की मुख्य न्यायाधीश लालसा पैटर्न इन चीफ है। अगला क्वेश्चन है, नौसेना के लिए नए ध्वज के किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये दोस्तों नीला अष्टकोण। आंसर हो जाए इसका नीला अष्टकोण।
क्वेश्चन क्या है, नौसेना के लिए नए ध्वज की किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है, तो नीलाष्ट कोण के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कोची में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में नौसेना के नए ध्वज अनावरण किया और अष्टकोणीय आकार में 8 दिशाओं में प्रतिनिधित्व करने वाले डिजाइन किया गया है, जो भारतीय नौसेना को बहुदिशात्मक पहुंच को दर्शाता है। इसके चारों ओर जुड़ाव, सुनहरी सीमाएं और छत्रपति शिवाजी की प्रतीत है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किस देश का आर्थिक संकट से निपटने के लिए 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूरी दी है, तो ये दोस्तों श्रीलंका के द्वारा, श्रीलंका को दिया गया है IMF के द्वारा 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 1948 में आजादी के बाद श्रीलंका अपने खराब आर्थिक संकट रहा है। श्रीलंका राष्ट्रपति विक्रम सिंघे जो कि देश के वित्त मंत्री हैं ने अपना पहला बजट पेश किया जिसका उद्देश्य राजस्व को बढ़ावा देना और मुद्रास्फीति से लड़ना था। अगला क्वेश्चन 108 नंबर, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान चुनौती को समावेशी शहर पुरस्कार यानी स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इन्वेस्टिव सिटीज अवार्ड प्रदान करता है, तो आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। क्या है पूरी न्यूज, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेश शहर पुरस्कार स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड द्वारा प्रस्तुत किया और 2 अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। ये पुरस्कार राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। अगला है, कौन सी संस्था तेजस मार्क टू फाइटर जेट बनाती है, तो HAL। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस मार्क टू परियोजना को शुरू की मंजूरी दे दी है। तेजस मार्क टू फाइटर जेट के डिजाइन और विकास के लिए 6500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है और 2.0 से अधिक शक्तिशाली इंजन व स्वदेशी विकसित व एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक व स्कैंड एरिड रडार से लेस होगा। तो ये 2.0 यानी ये इंजन में स्वदेशी, इसमें इंजन होगा और एक्टिव इलेक्ट्रोलॉजी और स्कैंड एरिया रडार को ये न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर होगी। अगला है 110 नंबर क्वेश्चन, EV बैटरियों की सुरक्षा मानकों पर सड़क परिवहन और रोजगार मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कौन है, टाटा नरसिंह है, नरसिंह राव। सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने टाटा नरसिंह सिंह राव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया है। ये इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर ऑफ पोडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स हैदराबाद के निदेशक हैं और विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने बैटरी सेल से संबंधित अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकताओं, ऑन बोर्ड चार्ज, बैटरी पैक डिजाइन, अतिरिक्त सेल शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण थर्मल प्रसार आदि सहित संशोधनों पर जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया, तो नई दिल्ली के द्वारा। अरविंद केजरीवाल द्वारा पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या रखा है, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, जिसमें पूरे भारत के छात्र 9 से 12 प्रवेश लेने के पात्र होंगे। DMVS दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन से संबंध में एफिडेटेड होगा और यह है छात्र से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। कक्षा ये स्कूल नेट और गूगल द्वारा निर्मित एक विशेष मंच के माध्यम से संचालित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने साई यानी ये इस प्रकार का स्कूल है दोस्तों कि आप इस पे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं पूरे देश में से कहीं भी 9 से 12 तक। किस संस्थान ने साइबर सुरक्षा अभ्यास CNRG आयोजित की है, तो CNRG के द्वारा लॉन्च किया गया हाल ही में। CERTIN इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के पहल भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के अनुसार सिंगापुर के साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से 13 देशों में साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी सफलतापूर्वक संचालन किया गया और अंतर्राष्ट्रीय काउंटर रेनमेसवेयर एंड इनिशिएटिव रिजिलेशन वर्किंग ग्रुप के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सशस्त्र सचिवालय के नेतृत्व में भारत कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 113, NCRB नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए, तो आंध्र प्रदेश में। तो नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में 29 में देशद्रोह सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। 2021 में आईपीसी धारा 124A के तहत देशद्रोह के 76 मामले दर्ज किए गए हैं। 2020 में आंध्र प्रदेश राज्य में देशद्रोह का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये काफी चर्चित है दोस्तों, 1985 से 1991 तक रहे ये रूस के राष्ट्रपति। पूर्व सोवियत संघ के अंतिम नेता मिखाइल गोर्बाचेव का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1986 में गोर्बाचेव ने अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा आयोजित सभी लंबी दूरी मिसाइलों को खत्म करने का एक ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा था। यह शीत युद्ध के अंत की शुरुआत थी। उन्हें 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। 115 नंबर, फॉरेंसिक साक्ष्य संग्रहण की अनिवार्य बनाने वाली पहली पुलिस कौन सी वह केंद्र शासित प्रदेश है? तो दिल्ली। दिल्ली पुलिस में 6 साल से अधिक सजा के साथ दंडनीय अपराधों को फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। ये सजा दर बढ़ाने, आपराधिक न्याय प्रणाली को फॉरेंसिक विज्ञान एवं जांच के साथ एकीकृत करने के लिए एक किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आपराधिक न्याय प्रणाली के फॉरेंसिक विज्ञान जांच के साथ एकीकृत किया गया है। अपने आधिकारिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर के साथ में सहयोग के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इसमें नोट करने वाली बात यह है, तो फॉरेंसिक साल से संग्रह को अनिवार्य करने वाले देश का पहला कौन सा राज्य है? दिल्ली है। अगला क्वेश्चन 116 नंबर, 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो इंडोनेशिया के पास है दोस्तों। 20 देशों का समूह पर्यावरण अधिकारी को जलवायु कार्रवाई, यूक्रेन में युद्ध और विशेष प्रभाव बातचीत के लिए इंडोनेशिया के जो बाली है, बाली द्वीप पर मुलाकात की। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से लड़ने और विकासशील देशों और विकसित देशों के बीच लक्ष्यों को स्क्रीनाइजर करने के लिए प्रत्येक G20 राष्ट्र का योगदान क्रियान्वयन करने पर चर्चा की गई। 117 नंबर है, किस संस्थान ने देश की मृत्यु दर, ऋणग्रस्तता, सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है? तो ICMR। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार मृत्यु और ऋणग्रस्तता और सामाजिक आर्थिक बोझ पर एक अध्ययन जारी किया गया। इस अध्ययन के अनुसार भारत में हर साल सांप 45,000 से अधिक लोगों को मारे जाते हैं, यानी मारे जाते हैं, जबकि 30% पीड़ित ही चिकित्सा उपचार के लिए अस्पतालों में पहुंचते हैं। सांप से जो मरने वालों की संख्या है 245। किस नियामक निकाय ने भारत के एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने के लिए एक फ्रेमवर्क अधिसूचना जारी की है? तो भारतीय विनिमय बोर्ड, प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। प्रतिभूति विनिमय बोर्ड भारत ने भारत के सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने के लिए एक फ्रेमवर्क अधिसूचित किया गया है। विनिमय की नई ऋणी सामाजिक उद्योग को धन जुटाने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगी। और SSE स्टॉक एक्सचेंज गैर लाभकारी संगठनों को सूचित करता है, उन्हें वैकल्पिक फंड जुटाने का अवसर भी प्रदान करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल के। क्या है एक्सप्रेशन देख लेते, भारत ने हाल में पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित जैव विविधता संरक्षण पर नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी। और MOU के उद्देश्य और जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करना। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच गलियारों और इंटरलिंकिंग क्षेत्रों में बहाली, ज्ञान और सर्वोत्तम प्रताव का साझा करने शामिल किया है। अगला लास्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में NCO डेटा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में पहली तिमाही अप्रैल जून के भारतीय GDP विकास दर कितनी थी? तो 13.5 है, यानी अप्रैल जून के अंदर। सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में एक साल से सबसे तेजी से बढ़ी है। और इस वित्त वर्ष में पहली तिमाही अप्रैल जून की सकल घरेलू उत्पाद कितनी रही? 13.5 में वृद्धि रही। RBI के अनुसार यह 16.2 आर्थिक विकास का अनुमान से कम है। तो ये दोस्तों अपन ने देखिए पूरे 120 क्वेश्चन पूरे एक्सप्रेशन के साथ, हालांकि किसी भी क्वेश्चन का अपन को कोई भी पहलू नहीं छोड़ा है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने पड़ेंगे। इस वीडियो में आप पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें।
और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको अगर वीडियो कैसा लगे। धन्यवाद दोस्तों।